की बहुत सारी फेमस रेसिपीज में एक और रेसिपी है और जो है कांजी वड़ा। कांजी वड़ा राजस्थान की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है जो कि आपको रिफ्रेश करने में और डाइजेशन ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। फ्रेंड्स, ये एक लिक्विड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और जिसमें हम वड़े डाल करके उसे सर्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना ये कांजी वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता, स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो सबसे पहले हम कांजी के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एक ले लेंगे मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे एक चम्मच यहाँ पे सरसों। तो मेरे पास काली सरसों है, आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ राई। राई डालने से हमारी कांजी में खट्टापन आता है। साथ में हम डाल देंगे जितना हमने सरसों और राई लिया है उतना ही नमक, यानी कि 1.5 चम्मच मैंने नमक ले लिया है। और इसके साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हींग। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हींग ले लिया है, हींग की मात्रा इसमें थोड़ी ज्यादा मैंने डाली है। और इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने पीस लिया है, इसका ऐसा फाइन सा पाउडर मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड कर देंगे और कांजी के लिए हम पानी उबाल लेंगे। तो 1 लीटर पानी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसे अच्छे से हमें एक उबाल आ जाने देना है और उसके बाद इसे बुझा करके बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। ये देखिए, पानी यहाँ पे ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो हमने कांजी मसाला बनाया था। तो लगभग 3 से 4 चम्मच जो है आप इसमें डाल दीजिए ये मसाला और टेस्ट करके एक बार देख लीजिए। अगर आपको नमक मिर्ची कुछ भी कम लगती है तो आप ऊपर से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लगभग 4 चम्मच के करीब ये मसाला मिला दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ डालने से सरसों का तेल थोड़ा सा जो है सोनापन आ जाता है पानी में। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे पुदीने का पत्ता। तो मैंने फ्रेश पुदीने का पत्ता ले लिया है, उसे बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे पीस करके भी डाल सकते हैं। तो ये पुदीने का पत्ता डाल दिया है, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें एक सोनी सी खुशबू लाने के लिए कोयले को जो है गैस पे रख देंगे जलने के लिए। और जब कोयला अच्छे से जल जाएगा तो उसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। और घी डालने के बाद इस कटोरी को हम इस पानी के ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए, अंदर नहीं बस ऊपर रखना है और इसे ढक करके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये धुआं इसके अंदर चला जाएगा पानी के अंदर और बहुत ही अच्छी एक स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गया है, ये मैंने हटा दिया है। तो अब इस कटोरी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, काजी को अब हम इस तरीके के शीशे के जार में रख करके कम से कम 3 दिन के लिए बाहर रख देंगे, हमें फ्रिज में नहीं रखना है। और 3 दिन में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें वड़े डालेंगे। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं, 3 दिन बाद चेक करते हैं। तो अब कांजी के लिए हम वड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द की दाल और इसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छे से इसे धो दिया है। तो अब हमें इसे पीस लेना है। बस पीसते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी की मात्रा बहुत कम रखनी है। तो ये मिक्सी के जार में मैं दोनों दालों को डाल दे रही हूँ और इसमें बहुत ही कम पानी डाल करके हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमें दरदरा सा बनाना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। जैसे हम दही वड़ा के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें तैयार करना है। मैंने पीस लिया है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम दही वड़े के लिए वड़ा बनाते हैं। तो बाय चांस अगर आप दही वड़ा बना रहे हैं तो उसमें से थोड़े से वड़े आप बचा के रख दीजिए जो कि आप अपनी कांजी में यूज कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट हमें फेंट लेना है, जिससे ये काफी हल्का हो जाएगा और इसके वड़े खूब फूले फूले से होंगे। तो ये देखिए, इसका कलर भी पहले से हल्का हो गया है और ये अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक और हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम यहाँ पे वड़े तल लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और इसके छोटे छोटे से वड़े मैं ऐसे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, कांजी वड़ा का जो वड़ा होता है वो दही वड़ा से थोड़ा सा छोटा ही होता है। तो ऐसे थोड़ा छोटा छोटा सा मैं इसमें डाल ले रही हूँ, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। तो चलिए, इसे तल करके अच्छे से वड़े हम निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। अभी इसे पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने ये गोल्डन ब्राउन पका लिया है और अच्छे से ये वड़े हमारे फूले फूले से तैयार हो गए हैं। तो अब हम डाल देंगे इन्हें गुनगुने पानी में। तो एक भगवाने में मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग डाल दिया है और इसे डुबो करके सारे वड़ों को हम कम से कम 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, वड़े हमारे अच्छे से भीग गए हैं। तो इसे स्क्वीज करके हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और सारे वड़ों को साइड कर लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी से वड़े बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन हो गया था, मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है कई बार और इसे बड़े बर्तन में मैंने निकाल लिया है जिससे हमें वड़े बनाने में यानी कि मिक्स करने में आसानी हो। तो अब मैं इसमें थोड़े से डाल दे रही हूँ यहाँ पे बूंदी। बूंदी डालना ऑप्शनल है पर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही में मैं डाल दूंगी ये वड़े। तो फ्रेंड्स, कांजी वड़ा में आप जब भी वड़ा मिलाएं तब मिलाएं जब आप बिल्कुल सर्व करने वाले हों। सर्व करने से 15 मिनट पहले वड़े मिला दीजिए और उसके बाद इसे सर्व कीजिए। तो ये देखिए हमारा कांजी वड़ा यहाँ रेडी हो गया है, मैं इसे सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब कांजी आपकी 2 से 3 दिन फर्मेंट हो जाए उसके बाद ही आप इसमें वड़े और जो है साथ में ये बूंदी मिलाएं। पहले से इसमें मिला के आप ना रखें, नहीं तो आपके वड़े खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कांजी वड़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा सा टेस्ट इसमें आता है, डाइजेशन के लिए ये काफी अच्छा होता है। होली में हम बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की खा लेते हैं और उन सबको पचाना मुश्किल हो जाता है, तो ये कांजी वड़ा पी करके आप अपना डाइजेशन भी सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यम्मी टेस्टी रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।